तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे सीड की कॉलिंग पे, क्योंकि हमने वर्कबुक की कॉलिंग लास्ट क्लास में सीख ली थी। हमने वर्कबुक पे काम भी कर लिया था कि वर्कबुक को कैसे ओपन करते हैं, कैसे सेव करते हैं, कैसे सेव एज करते हैं वगैरह वगैरह। आज हम बात करेंगे सीड के ऊपर कि सीड को कैसे हैंडल करते हैं। इसलिए मैं अपनी स्क्रीन आपको दे रहा हूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं डेवलपर टैब में, हम जाते हैं विजुअल बेसिक पे और फिर इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल। अब यहां पे हम सब्जेक्ट देते हैं, कोई भी देते हैं। अब सबसे पहले चीज जानिए कि जो सीट्स है उसको कॉल कैसे करेंगे। मतलब मान लीजिए कि हमें एक सीट से सीट थ्री पे हूं, मुझे सीट वन पे जाना है, तो कैसे जाएंगे? तो उसके लिए हम सीट की कॉलिंग मेथड को समझते हैं कि सीट का कॉलिंग मेथड क्या है। तो यहां पे हमने दिया सीट्स और यहां पे हमने दे दिया सीट का नाम, दो नाम है सीट वन डॉट सेलेक्ट या एक्टिवेट, कुछ भी कर सकते हैं। और सीट की एक सीट का ये भी आता है, उसका प्रॉपर्टी नेम भी आता है। तो सीट वन जो आपका दिख रहा है इस सीट का प्रॉपर्टी नेम है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, तो हम यहां ये भी लिख सकते हैं सीट वन डॉट एक्टिवेट या सिलेक्ट, या तीसरा यहां पे कि सीट और उसका सिक्वेंस नंबर वन डॉट सिलेक्ट। तो सीट को हम तीन तरह से कॉल करते हैं, मेनली चौथा आपका आता है एक्टिव सीट। ये तो पता ही है, एक्टिव सीट बताने की जरूरत नहीं। अब जैसे सीट वन आपने कर दिया तो ये सीट नेम के अकॉर्डिंग वर्क करता है। जो सीट का कैप्शन, सीट का दो नेम होते हैं, पहला होता है सीट का प्रॉपर्टी नेम जो कि आपको यहां दिखता है, प्रोग्रामर को यह दिखता है राइटर से पहले। दूसरा जो होता है वो होता है सीट का प्रॉपर्टी कैप्शन जो बाहर दिखता है। जैसे सीट वन को मैंने जैन कर दिया, ओके, तो सीट का कैप्शन नेम क्या हो गया, जैन हो गया। तो मुझे अब यहाँ इन्वर्टर कमांड सीट वन है उसको उठा के मुझे जैन करना पड़ेगा, ओके सर, सीट को हमें जैन करना पड़ेगा। लेकिन सीट वन हमारा फिक्स होगा। और आता है सीट का कॉलिंग में सीक्वेंस नंबर कि पहला पोजीशन पे जो सीट है, चाहे पहला जैन हो या सीट थ्री हो, जो पहले पोजीशन पे है वो सीट वन, दूसरा दो डालूंगा दूसरे पोजीशन, थ्री डालूंगा तीसरा पोजीशन। तो काउंटिंग में वो कितने पोजीशन पे सीट है उसके हिसाब से हम जो चलेंगे तो हम इसका यूज करेंगे। और एक्टिव सीट जो एक्टिवेट है दैट कॉल्ड एक्टिव सीट, ओके। तो चार कंसेप्ट है। अब इसको कब यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपका सीट का नाम फिक्स है, जैसे समरी, डेटा, रिपोर्ट, ये सारे फिक्स है। बट क्या है कि हर बार मेरा सीट जो है डिलीट होता रहता है और नया सीट क्रिएट करता है। मतलब मान लीजिए ना कि आपने कल भाई रिपोर्ट की सीट को डिलीट कर दिया, नया सीट इंसर्ट किया और उसका नाम रिपोर्ट रख दिया, तो उस केस में हमें इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। क्योंकि जैसे सीट डिलीट होगा प्रॉपर्टी नेम डिलीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि आपका सीट फिक्स है बट हर महीने उसका नाम, हर पीरियड पे इसका नाम चेंज हो जाता है, जैसे कि जैन, अगला महीना फेब हो जाएगा, अगला महीना मार्च हो जाएगा, बट सीट फिक्स रहेगा, नाम बार बार चेंज हो रहे हैं, तो उसको आप प्रॉपर्टी नेम से चलेंगे। जब आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि सीट का कैप्शन नेम क्या है, प्रॉपर्टी नेम क्या है, कोई आइडिया नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसका लेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि एक सीट, एक फाइल में, एक फाइल के में जितने भी सीट है सबका डेटा उठा के कॉपी पेस्ट करना है। अब हमें नहीं पता कि उसमें कितने सीट है, सीट का नाम वगैरह क्या है, तो हम सीट की काउंट निकाल लेंगे और 1, 2, 3, 4, 5 से उसको हम इस तरह से रन करेंगे जो यहां दिख रहा है। तो सीट की कॉलिंग में तर्क बनना आ गया। अब बोले सर कॉलिंग में तर्क क्या होता है, जैसे आपने वर्कबुक किया था कि वर्कबुक कोई भी कोड लिखने से पहले आप लिखते थे वर्क बुक और फिर इसके अंदर फाइल का नाम देते थे कि बुक वन डॉट डॉट एक्टिवेट है, जो भी आप करें
या फिर आप एक्टिव वर्क वो देते सर, दो तरीके से लिखते थे ना कि किसी फाइल पे कुछ करना हो तो एक्टिव वर्कबुक या वर्कबुक लेते थे। उसी तरह से किसी सीट पे करना है तो इन चारों में से कोई एक चूज करेंगे और किस सिचुएशन में चूज होगा वो आपको पता ही है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो गणेश जी, वैभव जी, समझ में आया आपको ये? जी यस सर, समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें जो अगला ऑप्शन हमारा आता है वो अगला ऑप्शन आता है कि सीट पे क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपने यहां देखा कि हम सीट को एक सीट से दूसरे सीट पे जाते हैं, जाने के लिए सिलेक्ट या एक्टिवेट का यूज करते हैं। ओके, अब नई सीट ऐड करनी हो तो यहां लिखेंगे सीट डॉट ऐड, एक नई सीट ऐड करें। लेकिन कहां ऐड करेगा? वो ऐड करेगा जहां आपका एक्टिव सीट से पहले ऑटोमेटिकली। अब उस सीट का नाम चेंज करना है तो यहां आप लिखोगे एक्टिव सीट, क्योंकि सीट नेम करने का तो इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको कि सीट वन डॉट नेम, इस तरह जैसे वर्कबुक डॉट टेबल्स वाला सब समझाया था मैंने आपको। बट हमें नहीं पता कि सीट वन है, सीट टू है, सीट थ्री है, क्योंकि डिफॉल्ट नाम तो चेंज होते रहते हैं ना। बट हमें पता है कि जो सीट ऐड होगी वही एक्टिवेट होगी, तो मैं इसका नाम इक्वल टू रख दूंगा डेटा। लेकिन मुझे पता है कि मुझे डेटा नाम का सीट ही ऐड करना है, तो डायरेक्टली यहां लिख सकते हैं कि सीट डॉट ऐड डॉट नेम इक्वल टू डेटा। समझ गए? किसी को डाउट इसमें? No doubt. अब सीट जब ऐड होती है तो हमें ऐड करनी है सीट, लेकिन एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, क्योंकि डिफॉल्ट तो जो सीट एक्टिव होगा उससे पहले आएगा। मैं चाहता हूं कि जैन के बाद एक नई सीट ऐड हो, तो हमें यहां पे लिखना होगा सीट डॉट ऐड। यहां जब स्पेस मारते हैं तो यहां पे बिफोर और आफ्टर आता है कि सीट ऐड करना है किसके पहले या किसके बाद। तो मैंने कॉमा किया तो हमारा बिफोर स्किप होके आफ्टर बोल्ड हो गया, क्योंकि हमें बिफोर नहीं देना है, आफ्टर देना है। अब यहां जो सीट का नाम लिखेंगे तो हम डायरेक्टली इस तरह से जैन नहीं लिख देंगे, हमें सीट का नाम देना है सीट की कॉलिंग मेथड के अकॉर्डिंग। तो कैसे लिखेंगे? सीट डेटा। ओके, तो डेटा नहीं, जैन है ना हमारा, हाँ जैन, जैन के बाद सीट ऐड हो जाएगी। अब मान लीजिए मुझे नाम नहीं पता है, मुझे सबसे लास्ट में ऐड करना है, तो वन टू थ्री, तो यहां पे आप इस तरह से लिख सकते हैं कि सीट डॉट ऐड कॉमा आफ्टर में सीट और यहां पे थ्री, मतलब कि तीन सीट के बाद ऐड हो जाए। अब यहां पर क्वेश्चन और उठ के आता है कि तीन सीट हो, एक कैसे पता चले, हो सकता है इससे ज्यादा सीट हो, तो यहां पे थ्री के जगह पे हम लिख देंगे सीट डॉट काउंट। मैंने क्या दे दिया? सीट डॉट काउंट, समझ गए? सीट डॉट काउंट। सर आज आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहा हूं मैं रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का परमिशन आपने रिकॉर्ड से स्टार्ट नहीं किया, रिकॉर्डिंग की परमिशन तो दे रखा हूं मैं आपको, आप भूल गए। सॉरी विवेक जी, यू कैन ऑल्सो रिकॉर्ड नहीं कर रहे आप, हमने सोचा कि नहीं कर रहे हो रिकॉर्ड, नहीं हो रहा क्या रिकॉर्ड? नहीं, आपके नाम से आ गया रिकॉर्डिंग का सिंबल नहीं, ऑल्ट प्लस आर से होता है ना, ऑल्ट प्लस आर, मैंने प्रेस तो किया था, पता नहीं कैसे नहीं हो रहा। अब शुरू हुआ है सर, अब शुरू हुआ। मुझे लगा कि तीन दिन मैंने रिकॉर्डिंग आपसे करवाया, अगला हुआ है, आपको आदत हो गया होगा। नहीं पता नहीं, इसके थोड़े फंक्शन है अभी समझ में नहीं आया। राहुल जी, यू कैन ऑल्सो रिकॉर्ड द क्लास।
तो यहाँ पे शीट डॉट काउंट हमने कर दिया। शीट डॉट काउंट करने से क्या हुआ कि जितना शीट होगा ऑटोमेटिकली वो काउंट कर लेगा, तो डायनेमिक हो गया। तो कोड लिखते समय भी आपको ध्यान रखना होगा कि मेरा कोड डायनेमिक है या नहीं है, समझे? क्योंकि यहाँ पे अगर थ्री कर रखा था तो हमेशा थ्री सीट होगा, उसकी कोई ऐसा फिक्स तो है नहीं। तो यहाँ सीट डॉट काउंट हो गया, तो अब यहाँ पे मैं निश्चित हो चुका हूं कि जितने भी सीट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ ऐड हो जाएगा। अब जैसे एक सीट ऐड होता है, जब भी सीट ऐड करोगे एक सीट ऐड होगा, मुझे मान लीजिए 10 सीट ऐड करना है। यहाँ सीट डॉट ऐड, अब यहाँ पे देखेंगे काउंट आता है 1 2 3, काउंट पे आ गया, मैं 10 कर दिया। अब एक बार में ये 10 सीट को ऐड करेगा। तो आपने सीट को ऐड करना सीख लिया और सीट को रिनेम करना सीख लिया, दो चीजें सीख लिया आपने। अब बात करते हैं सीट को मूव करना। जैसे मान लीजिए, बोलिए सर, अभी सीट डॉट ऐड इसमें आपने इसमें काउंट में 10 लिखा है, इसमें 10 सीट एक साथ ऐड हो जाएंगे, लेकिन वो आप फोर का सर वो इसमें आफ्टर बिफोर तो एक ही सीट पे होता है ना। तो हाँ, जब आप जब सीट वन करेंगे तो आफ्टर कब तक चला जाएगा ना वो? अच्छा अच्छा, वो पहले उसमें मेंशन कर फिर बाद में। हाँ हाँ, आफ्टर आफ्टर तो सर एक सीट पे रिफ्लेक्टेड होता है ना। हाँ अच्छा, आप यहाँ डाल सकते हैं, ऐसा फाउंडेशन नहीं कि आप नहीं डाल सकते, लेकिन एंटर हियर बट भी रिफ्लेक्टेड होगा। जैसे कि मैंने अगर लास्ट कर दिया, जितने भी 10 सीटें हैं वो लास्ट से क्रिएट कर देगी। ओके ठीक है सर, अब इसे आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मूव की। जैसे मान लीजिए कि हमें फाइल, इस फाइल को मुझे कॉपी करना है एक नई फाइल में, तो जनरली लोग क्या करते हैं, नया फाइल क्रिएट करते हैं, इसको कॉपी करते फिर पेस्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है, आप इस पे राइट क्लिक करें और चले जाए कहां, मूव एंड कॉपी, और यहां क्रिएट कॉपी पे क्लिक करें और यहां पे न्यू वर्कबुक सेलेक्ट कर लें। ऐसा होगा तो पूरी की पूरी शीट कॉपी होगी, एक नई फाइल क्रिएट करके ऑटोमेटिक चली जाएगी उसमें। सेम काम अगर आपको करना है VBA के थ्रू, तो कौन सा सीट करना चाहते हो, जैन। तो इस कॉलिंग मेथड आप अपने हिसाब से ले लें, मैं इसका प्रॉपर्टी नेम से ले रहा हूँ, ठीक है? आप अपने सिचुएशन के हिसाब से देखें। डॉट कॉपी, अगर मैंने सिर्फ कॉपी लिख के छोड़ दिया, सिर्फ नई फाइल में कॉपी हो जाएगा। अब उस फाइल को सेव करना है, तो जिस फाइल में कॉपी होगा वही एक्टिवेट होगा ना सर। इसलिए आपने राइट क्लिक किया, मूव एंड कॉपी, क्रिएट कॉपी, और आपने कर दिया यहाँ पे न्यू वर्कबुक। तो जो नया वर्कबुक में क्रिएट हुआ है, देखिए आगे ना से कॉपी हो गया, और नया वर्कबुक आपका आ गया बुक टू। तो यही एक्टिवेट होगा, मुझे इस फाइल को सेव करना है। तो सेव करने का कोड हमने आपको क्या बोला था, वो यूज कर लेंगे लास्ट क्लास में। हम यहाँ करेंगे एक्सपी वर्क बुक डॉट सेव एज, और यहाँ पे आप दे देंगे अपना पाथ, और आप दे देंगे यहाँ पे फाइल नेम, और दे देंगे एक्सटेंशन। ओके, तो ये क्या करेगा, नया फाइल को कॉपी करेगा और एक नई सीट, एक सीट को, सीट वन को कॉपी करेगा और एक नई फाइल में मूव कर देगा, और फाइल को क्लोज कर देगा। लेकिन मान लीजिए मुझे इसी सीट में मुझे सबसे लास्ट में भेजना है, या किसी फर्स्ट में भेजना है, या किसी अपने हिसाब से भेजना है, तो आपको यहाँ पे सीट वन डॉट कॉपी, और यहां बताना पड़ेगा किसके बाद और किसके पहले। तो मैं करता हूं आफ्टर कॉलम डॉट काउंट, ये हम शीट डॉट काउंट, इसके अंदर में शीट डॉट काउंट या जो भी आपका मेथड हो अपने सिचुएशन के हिसाब से डाल सकते हैं। ओके, उसके बाद मूव हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं मूव करना कोई अलग फाइल, मतलब कि नया फाइल क्रिएट नहीं करना चाहता हूं। मेरे पास ऑलरेडी बुक थ्री है, मैं बुक थ्री के सबसे लास्ट में ऐड करना चाहता हूं, तो उस केस में क्या करेंगे, वो फाइल आपका बुक थ्री जो है आपका ओपन होना चाहिए, और आप कोड क्या लिखेंगे, इसी के आगे आप अपना बुक थ्री का एड्रेस डाल देंगे कि वर्क बुक, और यहां पे जाएगा आपका बुक
थ्री डॉट एक्सलेंस एड, और जिस किट के बाद ऐड करना उस किट का रेफरेंस आ जाएगा। समझ गया? बट ए बुक थ्री आपका ओपन होना चाहिए। तो आप फाइल को कॉपी कर सकते एक नई वर्क बुक में, फाइल को कॉपी सीट को माफ कीजिएगा, सीट को कॉपी कर सकते एक नई वर्क बुक में, सीट को कॉपी कर सकते हैं आप सेम वर्क बुक में या किसी अनोदर ओपन वर्क बुक में। तो कॉपी करना समझ में आ गया आपको? यस सर। गौरव जी, गणेश जी, कोई डाउट इसमें? जी सर। अब इसके बाद आता है मूव। तो कॉपी और मूव जो है वो सेम होता है, बस आप कॉपी के जगह पे मूव लगा दीजिए, बाकी सब कुछ सेम होता है। तो मूव क्या करता है? उसको उठा के डाल देता है। मतलब जब आप राइट क्लिक करके मूव एंड कॉपी करते हैं तो ये आपका क्रिएट कॉपी पे क्लिक नहीं करेगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। तो सीट को मूव एंड कॉपी करना आप लोगों को समझ में आ गया? यस सर। बट मूव तो समझ में आ गया कि इधर से उधर कर देगा, बट कॉपी करेंगे कोई चीज तो उसको पेस्ट तो करना पड़ेगा सर। नहीं यार, ऑटोमेटिक कॉपी हो जाता है। एक ये आपको एक डेटा कॉपी पेस्ट नहीं होता है, आप सीट को कॉपी करते हैं ना, कैसे करते हैं? राइट क्लिक करके कॉपी तो नहीं करते हैं, सीट पे कॉपी करते हैं आप। हाँ जी, हाँ जी। राइट क्लिक कॉपी थोड़ी होता है, हम डायरेक्ट मूव एंड कॉपी पे टिकट करते हैं ना, क्रिएट कॉपी। ओके सर, इसी फंक्शन को टिकट करता है वो। ठीक है जी सर, चलिए आगे बढ़े। तो सीट को हमने ऐड करना सीखा, रिनेम करना सीखा, एक्टिवेट करना सीखा, कॉपी करना सीखा और मूव करना सीखा। उसके बाद क्या करते हैं सीट को? हम सीट को डिलीट करते हैं। जैसे सीट वन डॉट डिलीट करेंगे, कोड होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपने ऐसा किया तो डिलीट जैसे आप करते हैं ना, तो ये आपसे अलर्ट देता है। जब डिलीट पे क्लिक करते तो डिलीट होता है। तो अगर आपने एक कोड डाल दिया तो सेम यही होगा कि डिलीट का कमांड रन कर देगा, माइक्रो रुक जाएगी। जब तक आप डिलीट बटन पे क्लिक नहीं करते हैं तब तक रन नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करें, मैं एक अलग माइक्रो में बताता हूं। तो यहां पे अगर मैं यहां पे मैं डाल देता हूं सब, हमने कर दिया सीट वन डॉट डिलीट। अब मैं एमएम को रन करता हूं, आ गया सर? तो मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा तभी डिलीट करेगा, अदरवाइज डिलीट नहीं करेगा। तो इसको पास आउट कर दे, इसके लिए हमें लिखेंगे यहां पे सिंपल सा कोड कि application.display alert इक्वल टू फॉल्स। तो हमने क्या किया, एप्लीकेशन की सेटिंग ही चेंज करवा दी कि भाई इस माइक्रो के लिए सेटिंग चेंज कर दो कि भाई डिस्प्ले अलर्ट फॉल्स हो जाए। अब मैं एमएम को रन करूंगा तो डायरेक्टली आपको देखेंगे इसको डिलीट कर देगा बिना कुछ पूछे। तो ऐसा नहीं है कि फिर अलर्ट किसी और में अलर्ट नहीं पूछेगा, मैं इसे डिलीट करता हूं तो अलर्ट पूछेगा। इसने जो सेटिंग चेंज किया वो सिर्फ इस माइक्रो के लिए चेंज। तो जहां भी डिलीट आप डिलीट का यूज करेंगे उससे ऊपर आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स। ओके, अब सीट को हम हाइड करते हैं। तो सीट वन तो खत्म हो गया था, टू है, सीट टू डॉट विजुअल इक्वल टू, अगर आपने सिर्फ हिडन कर दिया तो क्या होगा, ये नॉर्मल हिडन होगा। जैसे राइट क्लिक करके हम हाइड कर देते हैं ना, तो कोई भी इसको अनहाइड कर पाएगा। लेकिन इसी में अगर हमने बोला कि सीट टू डॉट विजुअल इक्वल टू वेरी हिडन, अगर आपने वेरी हिडन किया तो क्या होगा, अगर हाइड हो जाएगा तो यहां से अनहाइड नहीं हो सकता। अनहाइड करने के लिए दो ऑप्शन होंगे, एक तो इसकी क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी पे जाके आपको चेंज करना पड़ेगा, या फिर आपको कोड के जरिए करना पड़ेगा विजुअल इक्वल टू एक्सेल सीट विजुअल।
तो आप अगर आपने VVA की प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज में जाके प्रोटेक्शन में अगर आपने कोड का पासवर्ड अप्लाई कर दिया तो कोई इसकी VVA प्रॉपर्टीज या VVA कोड को एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि बिना पासवर्ड के आपका सीट हिडन ही नहीं, विजुअल ही नहीं होगा, हिडन ही रहेगा परमानेंट। तो सीट हिडन करना सीख गए आप लोग? हेलो जी सर। जी सर यस। तो सीट हिडन हमने कर लिया, तो सीट को अनहाइड करते हैं। अब सीट को आगे क्या करते हैं, हम प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब पासवर्ड डालते हैं। तो सीट टू डॉट प्रोटेक्ट और उसके बाद हम यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं। अब पासवर्ड के अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब ये चीजें क्या है, जो आप राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट की पे जैसे चेकबॉक्स है ना, यही होता है। जैसे मान लीजिए आपको पासवर्ड डालने के बाद भी डेटा शॉर्टिंग अलाउ करना है, तो यहाँ आप कॉमा 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 यहाँ शुरू कर दीजिए, हो गया। अब एक चीज और आता है कि जैसे कि आपने देखा आगे, ऐसे भी प्रोटेक्शन के लिए नहीं, हर किसी के लिए होता है कि जब हम पासवर्ड डालते हैं कुछ ऐसा इवेंट डालते हैं तो हमारा जो है वो बहुत ज्यादा मेंबर है और मुझे शॉर्टिंग अलाउ करना, देखिए कितने कॉमा डालना पड़ गया सर। ऐसा कोई नहीं कि स्किप हो जाए, हमें इतना डालना ना पड़े। तो उसके लिए है कि जो जो लिखा हुआ है ना वो सेम लिख दें, पासवर्ड सेमीकोलन इक्वल टू पासवर्ड डाल दिया कॉमा अलाउ शॉर्टिंग क्या होता है, हाउ गया सर एक्टिवेट। तो हर चीज में कर सकते हैं आप, जितने भी मेथड के मेंबर आते हैं हर मेंबर में आप इस तरह की चीज अप्लाई कर सकते हैं सिंपल के लिए। इससे एक फायदा, इससे एक फायदा और भी होता है कि फायदा ये होता है कि जैसे इस कोड को अगर बाद 6 महीने बाद पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ट्रू क्यों दिया है, जब तक कि आप इसको देखेंगे नहीं कि ट्रू किसका है, बट यहाँ इजिली पता चल रहा है कि अलाउ शॉर्टिंग इक्वल टू ट्रू। सर पासवर्ड में अगर अल्फा देना हो तो इनवर्टेड कॉमा। ओके, अब वापस मुझे इसको अनप्रोटेक्ट करना है तो यहाँ अनप्रोटेक्ट एंड पासवर्ड। तो हमने सीट को प्रोटेक्ट करना भी सीख लिया। अब सीट की प्रिंटआउट चाहिए तो सीट टू डॉट प्रिंटआउट सॉरी एक तो आपको पेन प्रीव्यू चाहिए तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू कर दीजिए, आपका प्रिंट प्रीव्यू हो जाएगा। मुझे सीट का प्रिंट प्रीव्यू नहीं प्रिंट आउट चाहिए तो यहाँ पे डॉट प्रिंट आउट, प्रिंट आउट हो जाएगा। अब प्रिंट आउट में यहाँ पे है फॉर्म कि किस पेज से कितने पेज, हम बोलते हैं वन से लेके 10 तक कितने कॉपी, तो 2 कॉपी निकालना है। प्रीव्यू देखना है, देखना है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, जिन्हें फॉल्स लगते हैं। एक्टिव प्रिंटर करना है या प्रिंटर का नाम क्या है, प्रिंटर में से आप आपके सिस्टम अगर डिफॉल्ट प्रिंटर के जरिए प्रिंट नहीं, अब इसको छोड़ दीजिएगा तो डिफॉल्ट प्रिंटर से प्रिंट निकाल देगा, लेकिन नहीं कीजिएगा तो आपका प्रिंटर का नाम दे सकते हैं। प्रिंट टू फाइल, पूरी फाइल को प्रिंट करना है, कुलेट क्या इसको कुलेट करना है, इग्नोर प्रिंट एरिया, मतलब जो प्रिंट में होते हैं ना वही चीजें आपको यहाँ पे ट्रू फॉल्स करके देखना है। आपको जब आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट में पूछता है ना वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। फ्रॉम पेजेस नंबर ऑफ कॉपीज कलेक्टेड करना है, प्रिंट शीट करना है, प्रिंट टू फाइल करना है, प्रिंटर कौन सा सिलेक्ट करना है, बस तो वही चीज है। ओके, तो सीट पे कुछ और तो नहीं करते हम, क्या लग रहा है सर, सीट के ऊपर कुछ और करते हैं हम सीट ऐड करते हैं, रिनेम करते हैं, ओके सीट को कॉपी करते हैं, सीट को मूव करते हैं, सीट को डिलीट करते हैं, सीट को हाइड अनहाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं या फिर उसकी अनप्रोटेक्ट करते हैं या उसकी प्रीव्यू देखते हैं या प्रिंट आउट निकालते हैं, और कुछ करते हैं सर? सर सीट को सीट नेम हाईलाइट करते हैं कलर से,
हाँ सी पे हाईलाइट करना है, जैसे कि राइट क्लिक करके कलर करते हैं ना आप, टैब कलर रेड कर दिया, तो सेम सेम चीज यहाँ पे लिखेंगे सीट टू डॉट टैब डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड ग्रीन ब्लू श्याम मैजेंटा डाल सकते हैं। और भी कलर डालेंगे तो आपको जब फॉर्मेटिंग की क्लास बताएंगे उसमें कलर बता देंगे आपको, ठीक है। हेलो, अब ये जो कोड मैंने आपको एक्सप्लेन किया जस्ट, अब आपको क्या करना है कि हर एक कोड को इंडिविजुअली एक माइक्रो में लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है, और उसको रन करके उसका इफेक्ट देखेंगे कि क्या इफेक्ट आ रहा है, समझ गए? ओके जी सर। ये आपको अभी करना है। आप बोलेंगे सर मैं बाद में कर लूंगा, नहीं बाद में, फिर आप बोलेंगे सुबह से शाम तक सर बिजी हो जाए कल की तरह, इसलिए अभी आपके पास टाइम है, अभी आप इसकी प्रैक्टिस करें। आप किसी क्लासरूम में जाते तो आपकी क्लासेस मिलने के बाद प्रैक्टिस शीट पर बैठ के आप प्रैक्टिस करते ना सर, फिर समझिए कि आपकी क्लासेस अब प्रैक्टिकल क्लासेस शुरू हो गई, आपको प्रैक्टिस बैठ के करना है। कोई प्रॉब्लम होती है तो फोटो खींच के व्हाट्सएप भेज दीजिए, मैं देख लूंगा। ओके ठीक है सर। और कोई किसी तरह की डाउट है, क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ सकते हैं।